नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। वही नजर डालेंगे कुछ खास खबरों की ओर। खबर महाराजगंज से है, जो पनियरा इंटरमीडिएट कॉलेज मनखान खां विद्यालय के प्रबंधक व युवा भाजपा नेता आफाक आलम उर्फ सैफ खान ने समाज सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने स्थानीय मदरसा परिसर में रात्रि निवास कर रहे गरीब और असहायों के बीच कम्बल का वितरण किया है। साथ ही पनियरा खास गांव के शिव मंदिर व रामचंद्र दास के कुटी के पास सभी धर्म समुदाय के गरीब व असहायों के बीच भी कम्बल का वितरण किया गया। आफ्ताब आलम खां प्रधानाचार्य पनियरा इंटरमीडिएट कॉलेज, जिसे पब्लिक में आम बोलचाल की भाषा में मन्नान खां विद्यालय कहा जाता है। आपके द्वारा गरीबों में कंबल बांटने का प्रेरणा कहां से मिली है? हमारे विद्यालय के प्रबंध तंत्र के द्वारा हमेशा समाज सेवा का कार्य किया गया है। गरीबों और असहायों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पुस्तक, निःशुल्क ड्रेस सब उपलब्ध कराया जाता है। इसी के क्रम में हमारे विद्यालय के प्रबंधक आफाक आलम सैफ खान ने सर्वधर्म सद्भाव को देखते हुए कल पनियरा के शिव मंदिर पर, रामचंद्र दास कुटी पर और पनियरा के मदरसे पर गरीबों और असहायों को कंबल वितरित किया। और आगे गरीबों के लिए आप क्या मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर 14 जनवरी को विद्यालय में पुनः गरीबों का चिन्हांकन करके गरीब एवं सहायों को कंबल वितरित किया जाए। आफ्ताब आलम खां प्रधान। खबर बहराइच के नानपारा क्षेत्र से है, जहां आर्य समाज नानपारा के तत्वाधान में 3 दिवसीय यजुर्वेद परायण महायज्ञ एवं प्रवचन का आयोजन किया गया। इस मौके पर आगरा से आए वैदिक प्रवक्ता आचार्य हरिशंकर ने कहा कि वैदिक प्रवक्ता आचार्य हरिशंकर जी अग्नोत्री से यजुर्वेद परायण महायज्ञ कथा में वेदों के माध्यम से कर्म की व्याख्या करते हुए, मनुष्य जो कर्म करता है उसी के हिसाब से उसका फल प्राप्त होता है। हमें हमारे कर्मों के आधार से ईश्वर हमें उसका फल देता है। हमीरपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया है। वहीं हादसे में कार सवार सहित 3 लोग जलकर खाक हो गए। बता दें कि ट्रक के टकराते ही 4 पहिया गाड़ी में भीषण आग लग गई, जिसमें कार सवार सहित 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आग से खाक हुए 3 शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में हुए सड़क हादसे में जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त कर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। खबर जालौन से है, जहां 2 मासूम बच्चों की मौत से मां की गोद सूनी पड़ गई। आपको बता दें कि सर्द मौसम और ठंड की वजह से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। वही मासूम बच्चों की मौत के परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना जालौन के कदौरा नगर क्षेत्र के बमौरी मोहल्ले की बताई जा रही है। एटा में चुनाव नजदीक आते ही पुलिस ने आगरा चौराहे पर बैरियर लगाकर संदिग्ध व्यक्तियों और संदिग्ध वाहनों पर भारी पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान चलाया। वहीं एटा के जलेसर इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने बिना कागज और अनियमितताएं के साथ मिले वाहन चालकों को मिलने पर सड़क सुरक्षा के नियम भी समझाए। साथ ही सड़क सुरक्षा के संबंध में लोगों को विस्तार से सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी भी दी गई। वही खबर एटा से है, जहां जलेसर सिकंदरामऊ रोड पर स्थित पटना पंछी विहार के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वह युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे आगरा के लिए रेफर किया गया है। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई। बता दें कि आज के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए, पूरे देश में स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के आदर्श रहे हैं। जहां भी युवाओं की बात आती है, वहां स्वामी विवेकानंद जी को याद किया जाता है, उनके मार्गदर्शन को याद किया जाता है, उनके मार्गदर्शन पर कार्य किया जाता है। आज 12 जनवरी है, पूरे देश में
उत्साह के साथ युवा दिवस के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी इस दिवस को मनाती है और हमारे मंदसौर जिले में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, युवा मोर्चा हो, पार्टी हो, युवाओं के बीच अनेक प्रकार के आज कार्यक्रम प्रतियोगिताएँ हो रही है, विराजमान हो, भानपुरा में जिले की हो रही है, तो कई जगह खेलकूद प्रतियोगिताएँ हो रही है, तो इसको युवा उत्सव के रूप में, युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हम लोग मनाते हैं। आज हमारे मंडल के अध्यक्ष अरविंद जी और सभी युवा मोर्चा के हमारे साथियों के साथ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथियों के साथ स्वामी विवेकानंद जी की यहाँ मूर्ति लगी, उस पर माल्यार्पण किया और सबसे आह्वान किया कि उनके आदर्शों पर, उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, युवाओं की भूमिका देश के लिए क्या हो सकती है, इस पर बात करके हम सब लोगों ने आज माल्यार्पण है। जहां साल 2021 में विभाग के कर्मचारी की मिली भगत से लगभग 27 लाख रुपए ज्यादा का गबन किया गया। दरअसल पूरा मामला जब संज्ञान में आया तब एमपीबी विभाग के खाते में 1,58,20,711 रुपए जमा होने थे, मगर इस खाते में मात्र 1,30,59,261 रुपए ही मात्र जमा किए गए। उपभोक्ताओं से तो बिल की रकम ली जाती है और वो वेबसाइट पोर्टल पर दिखाई देती थी, मगर उपभोक्ताओं से वसूल की गई रकम को उन्होंने एमपीईबी के वरिष्ठ विभाग के खाते में जमा नहीं किया। अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी रकम की गड़बड़ी का पता तब चला जब रकम का मिलान खाते और ड्राफ्ट के माध्यम से किया गया। बता दें कि इस बड़े कारनामे को अंजाम देने वाला मुख्य कार्यालय सहायक अजय राठी का नाम आ रहा है। हालांकि पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, वहीं तीसरा आरोपी अभी फरार चल रहा है। पर विगत दिनों एक गबन का मामला सामने आया है जिसमें एमपीबी के जेई द्वारा लिखित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि उनके यहाँ जो कार्यालय में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर तथा जो राजस्व संग्रहण का कार्य करते थे उनके द्वारा जो उपभोक्ता रहते हैं इनसे जो बिल की राशि रहती वो बिल की राशि प्राप्त कर लेते थे और वो राशि बैंक में जमा न कराते हुए स्वयं हड़प लेते थे। इस संबंध में जांच की गई तो जांच में करीब 27,71,450 रुपए का गबन का मामला सामने आया है जिसमें जेई निसरपुर की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया है और इसमें संबंधित तीन कर्मचारी आरोपी है जिनमें से दो आरोपी ऑपरेटर नीलेश तथा अन्य आरोपी अजय राठिया जो राजस्व संग्रहण का कार्य करते थे इनको हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है और कल माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिनसे तो पुलिस रिमांड लिया गया जो 13 जनवरी तक हमारी अभिरक्षा में है और उनसे इस राशि की बरामदगी हेतु पूछताछ की जा रही है। पर के लिए जल्द हाजिर होंगे।